तो गाइज गुड इवनिंग, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। दोस्तों आरबीएल बैंक एक ज़माने में 600 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अभी देखिए 172 रुपीज़ में मिल रहा है। और इसका ऑल टाइम में ओपन किया हूँ, ये 128% की गिरावट में अभी चल रहा है और 42% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, यानी नेगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों इसका भविष्य कैसा रहेगा, मार्केट कैप कितना है, कर्जा कितना लेकर रखा है कंपनी, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और टारगेट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। ऑल टाइम यहां पर आप देख सकते हो 650 रुपये वाला शेयर अभी 172 रुपीस में मिल रहा है। और दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में 128 तक एक शेयर चला गया था और कुछ ही दिन पहले और भी नीचे गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 157 रुपये तक ये शेयर गया था, लेकिन अभी देखिए 172 तक आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों जो लोग 180-200 रुपये में बाय किया है वो पैनिक हो रहे हैं। दोस्तों पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसका आगे का टारगेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मिलियंस में वॉल्यूम में 274 इसका हाई है, 155 इसका लो है और बाय देखेंगे कितना हुआ है, 22% की बाय क्वांटिटी उठाया गया है। और दोस्तों 2 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट जब से आया था उसके बाद भयंकर गिरावट यहाँ पर शुरू हो गया। प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम लोग इसका टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है आरबीएल बैंक का टारगेट आप देख सकते हो 235 का टारगेट, अभी 172 में ट्रेड हो रहा है, 235 इसका टारगेट आ रहा है। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और 274 हाई है, 156 इसका लो है, सेक्टर पीस होने आ रहा है, बुक वैल्यू 211 है, बुक वैल्यू से कई गुना नीचे शेयर मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी 0.87 प्रोवाइड करता है, आरओसी 5.61 है, आरओई यहाँ पर 4.38 है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी, देख सकते हो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये 8 नंबर पर आता है, आईडीबीआई बैंक से भी नीचे, बंधन बैंक से भी नीचे, इंडसइंड बैंक से भी नीचे आरबीएल बैंक आता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो देख कर ही इन्वेस्ट करना, अभी से बोल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा एक लेवल में चल रहा था, धीरे धीरे करके कम हुआ प्रॉफिट, अभी तो पूरा माइनस हो गया। लास्ट क्वार्टर में 459 करोड़ का माइनस रिटर्न। अगर हम लोग देखेंगे ईयर वाइज तो ईयर वाइज आप देख सकते हो 119 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट कंपनी को जनरेट हुआ है, जो कि 1200 था, 700 था, 600 था, 900, इस तरीके से कंपनी ठीक ठाक अर्निंग कर रहा था प्रॉफिट। ये तो बिफोर टैक्स हो गया। अगर हम लोग टैक्स नेट प्रॉफिट देखेंगे वो बिफोर टैक्स था, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 508 करोड़ से साफ साफ गिरावट, 93 करोड़ का एक गिरावट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए दोस्तों शेयर नीचे जा रहा है। डिविडेंड पे आउट तो इस बार कुछ भी नहीं है, कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पर पूरा माइनस में चला गया है और रिटर्न ऑन इक्विटी 4% है, शेयर कैपिटल 598 है और दोस्तों 12,000 करोड़ का रिजर्व रखा है, 84,000 करोड़ का कर्जा है, जो कि यहाँ पर रिजर्व दिन पर दिन ग्रो कर रहा है। कर्जा थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हो गया है और प्रॉफिट अगर अच्छा आता है कर्जा को ठीक करता है और इसके पास रिजर्व भी है और दोस्तों 235 तक ये जा सकता है, नहीं तो प्रॉफिट अगर इसका अच्छा नहीं रहेगा तो ये नहीं जा पा गया ऊपर। एसेट देखेंगे, एसेट में तेजी है, कैश फ्लो में भी भयंकर तेजी है। अगर हम लोग होल्डिंग चेक करेंगे एफआई वालों के पास, देखिए एफआई वाले बढ़ाए हैं, जो कि हम लोग को एक हिम्मत मिलता है। 34.25 था, अभी 34.61 कर दिए हैं। यहाँ पर ये थोड़ा कमाए है, 20 है उनके पास, डीआई वालों के पास, गवर्नमेंट के पास 0.36 है, पब्लिक के पास 44% है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर 235 का जो टारगेट है अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।